हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? एक तरफा प्यार में जैसे कोई लड़का किसी लड़की द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकराने के बाद गिड़गड़ाता है, रोता है, गाता है और आग्रह करता है कि क्या मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, मुझ में क्या कमी है, मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर मैं पसंद क्यों नहीं हूँ। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, अगर लड़की को नहीं है पसंद तो नहीं है। ठीक ऐसा ही वाक्या कल हमारे देश की राजनीति में हुआ है। कल लोकसभा में जो हुआ उससे मानो शर्म भी खुद पानी पानी हो गई। संसद की दीवारें मानो चीख रही हो कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में क्या केवल अब यह सुनना और देखना बाकी रह गया क्या? नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता। कल सोमवार 1 अगस्त को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज दुनिया में कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं का उत्पादन पूरे विश्व में 1% घट गया है, चावल का उत्पादन 5% घटा है, चीनी का प्रोडक्शन घटा है। क्या हमने दुनिया के किसानों को कहा है कि प्रोडक्शन कम करें? क्या युद्ध हमारी वजह से हो रहा है? आज हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का खाना दे रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें बधाई नहीं देना चाहिए? उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई। निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस सांसद भी भड़क गए और दुबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले आप भी सुने निशिकांत दुबे का बयान कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि लगता है कि मानो उन्होंने पूरे देश के नागरिकों को गाली दे दी हो। आज कोविड के बाद दुनिया में प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन वीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में। यह सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन वीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है, 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सुना साथी, बाहर मेरे देश की राजनीति 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना दे रही है सरकार, इन नेताओं को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती है? ये कौन होते हैं मजदूर किसानों को फ्री खाना देने वाले, जो मजदूर किसान अपने खून पसीने की कमाई से पूरे देश की जनता का पेट भरता हो उससे कहते हैं कि पोपट का खाना खाने वाले? सरकार को शर्म आना चाहिए कि देश की 80 करोड़ आबादी गरीबी में जिंदगी बिता रही है। देश की जो दयनीय हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? साल पोपट का खाना 80 करोड़ लोग नहीं, तुम जैसे विधायक, सांसद, मंत्री और नेता खा रहे हैं। जी हाँ, अनेक प्रकार की यात्रा, टेलीफोन और खाने पर सब्सिडी लेकर आप नेताओं ने ही इस देश को लूट रखा है और बात करते हो फ्री फंड के खाने की। साथियों, जिस तरीके से ये भाजपा सांसद ने बयान दिया वो निश्चित तौर पर एक शर्मसार करने वाली बात है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि किस प्रकार से ये एक तरह की देश के नागरिकों को गाली दे रहे हैं कि हम फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ इस बात से शर्म नहीं आती कि देश के अंदर अगर 80 करोड़ आबादी गरीबी में रहने को मजबूर है, लाचार है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? क्योंकि 2014 से लगातार बीजेपी की सरकार है। क्या बीजेपी सरकार केवल इतना भी नहीं कर सकती कि गरीबों को कम से कम रहने के लिए छत मिल सके, उनके खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था हो सके,
या केवल इतने भाषणबाजी करने से ही देश का विकास होने वाला है? आप भी हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।